फंक्शंस और फार्मूलाज भी प्रेजेंट होते हैं जो हमारी कैलकुलेशन को क्या करते हैं, आसान बना देते हैं। ठीक है, वेरियस फंक्शंस एंड फार्मूलाज आर प्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ विच आवर फंक्शंस बिकम ईजियर, राइट। एंड यहाँ पे एक फंक्शन होता है ऑटो कैलकुलेशन जो बहुत बहुत हेल्पफुल होता है। विद द हेल्प ऑफ ऑटो कैलकुलेशन द डेटा इज ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेटेड इन द होल वर्कशीट इफ़ एनी चेंज इज मेड इन द सिंगल सेल, राइट। ऑटो कैलकुलेशन क्या करता है, अगर आपने किसी भी शीट में एक चेंज किया है तो उससे क्या होगा, पूरी शीट में अपने आप उसको चेंज कर लेगा। ठीक है, एंड इट इज़ हियर एन ऑप्शन, यू गेट ऑटो फिल ऑप्शन, इंटरिंग डेटा इन सीरीज यूजिंग ऑटो फिल ऑप्शन। जैसे इसको आप समझ सकते हो, संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्ड से आपको पूरा लिखना है, तो आपने क्या किया, पहले के दो लिख लिए एंड फिर उसके बाद आप जब ऑटो फिल यूज़ कर लोगे तो उसके बाद वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली है और क्या करेगा, पूरी चीज़ अपने आप लिख देगा, पूरे जो वीक के नाम होगा वो अपने आप लिख देगा। सेम वे में अगर आप ईयर का नाम लिखते हो जनवरी फरवरी एंड उसके बाद अगर आप ऑटो फिल का ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो सारे मंथ के नेम एक साथ अपने आप फिल कर देगा, आपको बस शुरू के दो लिखने होंगे। ओके, एंड हियर द बेस्ड ऑन वैल्यूज इंटर्ड इन डिफरेंट सेल इन द स्प्रेडशीट फॉर्मूला कैन बी डिफाइंड विच ऑटोमेटिकली परफॉर्म्स कैलकुलेशन। जो आप सेल में डेटा इंटर करोगे उस सेल डेटा का सेल एड्रेस यूज करके फॉर्मूला क्या करेगा, उसकी आपकी कैलकुलेशन परफॉर्म कर देगा, राइट। एंड यहाँ पे जैसे आपको होता है सर्चिंग ऑफ डेटा, वो क्या होता है, काफ़ी फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो दीज आर डिफरेंट फीचर्स ऑफ एक्सेल विच वी गेट बाई यूजिंग इट। ओके, नेक्स्ट इज वॉट आर द एप्लीकेशंस ऑफ एक्सेल, एक्सेल की क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं। टू मैनेज नेम लिस्ट ऑफ डेटा रिकॉर्ड्स, अगर डेटा रिकॉर्ड्स हैं आपके पास उनका नेम लिस्ट को मैनेज करना है। सेकेंड, टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड ईजली इन डेली बिजनेस लाइफ, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं जो डेली लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं उसको ईजी कर देता है यूज़ करना, राइट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे ये काफ़ी यूज़ होता है, फॉर्म्स एंड कंसोलिडेट रिजल्ट को करने में ये काफ़ी यूज़ होता है, एनालिटिकल टूल्स में होता है, कोऑपरेटिंग बजटिंग में होता है। ओके, दीज आर व्हाट, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस वेयर वी कैन यूज़ एक्सेल। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन नाउ ओवरव्यू ऑफ एन एक्सेल, एक एक्सेल का आपको ओवरव्यू दिखा था, उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए इसमें कुछ टर्म्स होते हैं जो कॉमनली यूज होते हैं, उसको हम लोग वन बाय वन चेकआउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्कबुक, यहाँ पे आपको सुनाई देगा वर्कबुक। वर्कबुक क्या होती है, तो वर्कबुक इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मैनी वर्कशीट्स, जो आपकी वर्कशीट्स होती हैं, जब बहुत सारी वर्कशीट्स को एक साथ इकट्ठा करके रख देते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्कबुक बोलते हैं, राइट। वर्कशीट क्या होती है, जो आप यहाँ स्क्रीन पर दिख रही ना, एक वर्कशीट है, ये क्या है, ये वर्कशीट। तो वर्कशीट को हम लोग बोल सकते हैं कि वो बहुत सारे रोज और कॉलम से मिलके बनती है, जिसको हम लोग स्प्रेडशीट भी कहते हैं, राइट। तो वर्कशीट इज अ पेज इन विच मैनी रोज एंड कॉलम्स आर प्रेजेंट, या वर्कशीट मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स, एंड उसका दूसरा नाम भी क्या है, स्प्रेडशीट। ओके, देर आर 256 कॉलम्स एंड 65,536 रोज इन अ वर्कशीट। ओके, ऑन द वर्कशीट इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल, जैसा पहले ही बताया था आपको, जहाँ रो और कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग सेल बोलते हैं। ईच सेल हैज़ अ स्पेसिफिक एड्रेस, हर एक सेल का स्पेसिफिक एड्रेस होता है, जो कॉम्बिनेशन होता है दो चीज़ों से बताया था, पहला कॉलम हेडिंग होगा, दूसरा उसका रो नंबर होगा। जैसे एग्जाम्पल के A1, E10, लेकिन पहला क्या रखा गया, कॉलम हेडिंग, मतलब अल्फ़ाबेट्स के नाम रखे गए हैं और दूसरे नंबर रखे गए हैं, और ये पैटर्न हमेशा फॉलो होगा। ओके, नाउ ऑन द वर्कशीट अ थिक रेक्टेंगुलर बॉक्स इज प्रेजेंट, वर्कशीट पे देखेंगे एक थिक जो ब्लैक कलर का डॉट डॉट बन के नहीं आ रहा था, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्टिव सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्टिव सेल, एंड नाम से पता चल रहा है, वैसे तो उस वर्कशीट पे बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं, बट जो हाईलाइटेड सेल होता है उससे क्या होता है, उसी सेल में हम लोग डेटा इंटर करते हैं, या कीबोर्ड से जो भी डेटा टाइप करेंगे वो उस सेल में ही जाके टाइप होगा। ओके, फिर आपको बताया नेम बॉक्स, नेम बॉक्स क्या करता है, ये इंडिकेट करता है सेल कि आप किस सेल में हो। नेम बॉक्स क्या करता था, तब भी आपको दिखाया था कि यहाँ जिस सेल में आप जाओगे उसका सेल एड्रेस अपने आप में वो क्या कर देगा, यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन फार्मूला बार, फार्मूला बार क्या करता है, इंडिकेट करता है आपका जो भी कंटेंट का सेल होगा, जो भी आपने सेल सेलेक्ट किया है उसके अंदर जो भी कंटेंट होगा या जो भी डेटा होगा उसको इंडिकेट करता है। ठीक है, अगर आपने एक फार्मूला इंटर किया है तो फार्मूला फिर वो स्पेस पे प्रोवाइड होगा। ठीक है, वो ये आपको यहाँ पर जो स्पेस दिख रहा है फार्मूला बार में ना, तो इस फार्मूला बार में वो फार्मूला आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई देगा। ओके,
व्यू ऑफ मेन्यू बार, जो सबसे टॉप पे मेन्यू बार होता है उसके अंदर आपको क्या क्या दिखता है। मेन्यू बार इन एक्सेल प्रोवाइड्स एन ईजी वे टू एक्सेस वेरियस कमांड्स, राइट, एंड द कंटेंट ऑफ मेनी मेन्यू बार कैन बी डिस्प्लेड बाई क्लिकिंग ऑन मेन्यू नेम। मेन्यू नेम पे क्लिक करेंगे तो उसके जितने भी कंटेंट होंगे वो सब आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे। वो क्या क्या है आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू एंड व्यू। दीज आर वॉट वेरियस ऑप्शन प्रेजेंट इन मेन्यूज, ये आपके एक्सेल के मेन्यू मेन्यू बार में जो चीज़ें प्रेजेंट है उसके बारे में लिखा गया। ओके, इंसर्ट मेन्यू क्या होगा, इंसर्ट मेन्यू की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन ऐड न्यू वर्कशीट्स, रोज, कॉलम्स टू एन एग्जिस्टिंग। हमारे पास कोई वर्कशीट है पहले से प्रेजेंट है तो उस वर्कशीट में हम लोग एक नई वर्कशीट ऐड कर सकते हैं, रो ऐड कर सकते हैं, कॉलम ऐड कर सकते हैं। ओके, दूसरा, इफ़ आई वांट टू ऐड विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट मेनू, हम लोग वहाँ पे चार्ट्स भी ऐड कर सकते हैं, पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं अपनी वर्कशीट्स पे। ओके, नाउ वी आर मूविंग एट, सो वी हैव लर्नड व्हाट इज एमएस एक्सेल, फीचर ऑफ एमएस एक्सेल, व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ एमएस एक्सेल, राइट, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू ओपन एन एम एस एक्सेल, अगर आप एक एम एस एक्सेल ओपन करना चाह रहे हैं तो बहुत बेसिक सा स्टेप होता है। सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे एंड आफ्टर दैट क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम बटन, देन गो टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड फाइनली यू विल फाइंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन इट, और जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपकी पूरी वर्कशीट आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगी। इसका भी हम लोग ने प्रैक्टिकल भी देखा, राइट। Now after opening MS Excel, what is the first step that you want to do? You will create a blank workbook. आप क्या करोगे, एक blank workbook बनाओगे। And how it will be done? Simple. You have to what? You have to left click on Microsoft Office button, जो कि यहाँ पर top पर दिखेगी। And जैसे आप उस पर क्लिक करोगे बहुत सारे options आपके screen पर खुल के आ जाएंगे। And you have to select new. आपको क्या select करना है, New. Now new workbook dialog box open. जैसे आप new पे select करोगे आपकी न्यू की वर्कबुक डायलॉग बॉक्स आपके स्क्रीन के सामने आ जाएगी, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है। एंड फिर वहीं पे आपसे पूछेगा कि कैसा चाहिए, तो वहीं पे एक ऑप्शन होगा ब्लैंक, जस्ट क्लिक ऑन ब्लैंक, क्रिएट, किस पे क्लिक करना होगा आपको, क्रिएट ब्लैंक वर्कबुक सेलेक्ट करके उसके बाद आपको किस पे क्लिक करना होगा, क्रिएट पे, राइट। और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपका एक्सेल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। और वो जो सॉफ्टवेयर होगा एक ब्लैंक वर्कशीट या वर्कबुक आपकी स्क्रीन को एंटर कर देगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ यू आर गोइंग टू इंटर डेटा, डेटा आप कैसे इंटर करोगे, ठीक है। इट्स बहुत आसान होता है, जस्ट लेफ्ट क्लिक अ सेल टू सेलेक्ट इट, किसी भी सेल पे लेफ्ट क्लिक करेंगे और किस लिए, उसको सेल को सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। ईच रेक्टेंगल इन अ वर्कशीट इज कॉल्ड सेल, वो जो आपकी वर्कशीट्स हैं उसमें बहुत सारे रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहे हैं ना, तो हर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, राइट। जिस भी सेल को आपने सेलेक्ट किया, जो ये नेम बॉक्स होता है वहाँ पे उसका सेल एड्रेस दिखाई देता है, ठीक है, ये तो बताया भी आपको। नाउ इंटर द टेक्स्ट इन द सेल यूजिंग कीबोर्ड, और फिर आपको क्या करना है, कीबोर्ड की मदद से जिस सेल को आपने सेलेक्ट किया है, जहाँ पे आपको लिखना है, उसको आप क्लिक करके आप कीबोर्ड से इंटर कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप कीबोर्ड से इंटर करते जाओगे वो टेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे या उस सेल में लिखता जाएगा, और ये खास बात याद रखिएगा, उस सेल में भी लिखेगा एज वेल एज फॉर्मूला बार में भी लिखेगा, गेटिंग इट। सपोज करो आप यहाँ पे लिख रहे हो C3 पे लिख रहे हो, राइट, अगर आप C3 पे लिख रहे हो तो जो भी चीज़ आप C3 के अंदर लिखोगे वो यहाँ भी लिखाई देगा, और जो ये फॉर्मूला बार है ना यहाँ पे भी दिखाई देगा। ओके, नाउ सेल एड्रेस, ये भी आपको बताया जिस ब्रीफ करने के लिए दोबारा से, सेल एड्रेस जैसे आपकी बात करें, जैसे आप लोग का घर है, हर एक लोगों का घर है, उस घर का एक एड्रेस होता है जो उस तक पहुंचने में क्या करता है, हमें मदद करता है, राइट। तो एक वर्कशीट देखिए उसमें बहुत सारे सेल हैं, अगर किसी सेल के पास पर जाना है हमें तो उसका सेल एड्रेस होना चाहिए, तभी उस तक क्या पहुँच पाएंगे। तो इस वर्कबुक में हर एक सेल का क्या होता है, एड्रेस होता है, और वो एड्रेस किसके ऊपर बेस्ड होता है, दो चीज़ों पर, कॉलम और रो पे। जो सेल का एड्रेस होता है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, कॉलम और रो पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, C3 लिखा है, क्या लिखा है, C3, इसका मतलब क्या है, वो सी कॉलम में है, और कौन सी रो पे है, थर्ड रो पे है, गेटिंग इट, सी कॉलम पे एंड थर्ड रो पे है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे आप लोगों को। ओके, नाउ
यू कैन सेलेक्ट मल्टीपल सेल्स एट द सेम टाइम, आप एक ही टाइम पे बहुत सारे सेल्स को क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज सेल रेंज, और जब आप एक ही टाइम पे बहुत सारे सेल्स को एक साथ सेलेक्ट कर लेते हो तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल रेंज, राइट। रेदर देन अ सिंगल